फ्लाइंग बट जान के प्राय फिर से आपको स्वागत करते हैं मेरे यूट्यूब चैनल फ्लाइंग बट जान पे। आज हम लोग मेघालय जाने वाले हैं और यहाँ जो हमारे माइवा कैंप साइट पे अभी पूरा बारिश दे रहे हैं। कल रात से ज़बरदस्त बारिश दे रहे हैं। सुबह अभी 5 बज चुका है, हम लोग अभी निकलने वाले हैं, लेकिन क्या कहूँ, मैं अच्छे से तैयारी कर नहीं पा रहा हूँ बारिश की वजह से। ओ माई गॉड, बारिश दे रहे भाई, अभी बाहर निकलना मुश्किल है यार। हम लोग अभी मेघालय जाने के लिए रेडी हो गए। यहाँ हमारे साथ बहुत सारे टीम है। यहाँ TDS की तरफ से हम लोग मेघालय टूर करने के लिए जा रहा है और यहाँ ऑलरेडी रेडी हो चुका है। अभी बारिश भी थोड़ा रुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पानी कैसे भर गए है बारिश के वजह से। फिर भी हम लोग जाने के लिए रेडी है। चलिए सुरेश, चलो चलो, हाय हाय। हम लोग फिलहाल जतिंगा पहुंचा है। यहाँ बहुत बढ़िया से हवा दे रहे हैं, यहाँ बारिश का मौसम है। देखिए आप बोराल को कैसे दिख रहे हैं, पूरा हवा दे रही है भाई। और यहाँ हमारे टोनोस भाई ने गाड़ी धुलाई कर रहे हैं। ये जो पानी है ये पहाड़ से बह के आते हैं यहाँ। यहाँ कोई मोटर वोटर की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ग्रेविटी लाइन है, पहाड़ से डायरेक्ट आते हैं। क्या बोलना चाहेंगे यार आपने? बारिश के दिन में TDS के ये जंग में, इसे हम जंग कहेंगे, जंग लड़ने जा रहे हैं। थोड़ा वो रास्ता बारिश का वजह से, रास्ता में बहुत ज़्यादा कीचड़ था तो उसके वजह से गाड़ी धरती हो गए थे, तो हम लोग यहाँ थोड़ा धुलाई करके यहाँ जाएंगे। हम लोग अभी आफिया के दुकान पे गाड़ी वॉश करके अभी यहाँ से तामुल खा के अभी मूव करेंगे यहाँ से। हाँ के जहाँ हम लोग पहुँचा है दौकी रोड पे, इसी रोड से क्रांगचुरी वाटरफॉल जाते हैं। यहाँ बारिश के वजह से यहाँ एक वाटरफॉल मिला है तो यहाँ रुकने देखने के लिए थोड़ा रुका है। ये हम लोग का टीम है ट्रेवल दिमासव का। यहाँ पर भी बहुत बारिश दे रहा था, अभी थोड़ा रुक गए हैं। पहुँचते बहुत रात हो चुका है क्योंकि ज़बरदस्त बारिश दिया था, इसके वजह से आने में थोड़ा दिक्कतें हुए। कैमरा भी कर नहीं पाया आप लोगों को, स्पीडेस दिखा सके रास्ते के। बहुत थक भी गए यार, यहाँ आके हम लोग रूम ले लिए और ये खाना का भी जैसे तैसे बंदोबस्त कर सका। हाय, दिस इज फ्लाइंग बट जान कैम प्राइस नोंग पेडेंग डाउकी से गुड मॉर्निंग आप सभी को। मेरे बिल्कुल रूम के नीचे ये जो दिख रहे है ये पानी है रिवर। इस तरफ में आप दिखाई दे रहे हैं जो हैंगिंग ब्रिज है, उस तरफ ईस्ट साइड एंड दिस इज वेस्ट साइड। ये पानी बारिश के वजह से बहुत सारे पानी बह रहे हैं। जनरली यहाँ पानी थोड़ा कम रहता है और बहुत क्लीन रहता थे, लेकिन अभी भी क्लीन है, लेकिन अभी थोड़ा मदी मदी हो गया यार। मैं हम लोग का यहाँ कल आके करीब लेट हो गए पहुँचते, बहुत रास्ते पे बारिश मिला था तो आने में थोड़ा दिक्कतें हुआ, रास्ते को थोड़ा देखने में प्रॉब्लम हुआ, लेकिन आते आते हम लोग यहाँ शाम हो गए हैं। तो जो बारिश के कारण से यहाँ जो नीचे में कैंपिंग साइट है वहाँ हम लोग रह नहीं पाया, तो हम लोग यहाँ होम स्टे लिया। ये बहुत बढ़िया होम स्टे है, इसका प्राइस ओनली 2500 है। ये बिल्कुल यहाँ से यहाँ का जो व्यू है ये दिख सकते हैं, ये रूम के बिल्कुल नज़दीक में। यहाँ पे आके बहुत खुशी लगा, फॉर द फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पर आया हूँ, फिर आने का मन है। और यही जो अभी है, अभी सुबह में उठ के देखा तो इसका जो व्यू है वाओ। मैं आपको नीचे तरफ लेके चलूँगा अभी।
यहाँ हिली एरिया में जैसे कि ये सब थोड़ा उतना नीचे जाना थोड़ा पड़ता है, तो इसलिए इसका आदत बनाना पड़ता है, कोई दिक्कतें नहीं है मेरे लिए। बहुत पत्थर है यहाँ पर, which one is best to come here? Oh, the one is on January, no? Yeah, no. November, October, December, January. Okay. Till March. Okay. उस टाइम भी पानी भी ज़्यादा क्लीन रहता है ना यहाँ पे। इतना खूबसूरत जगह है, इतना बढ़िया जगह है कि आप साल का किसी महीने में आप यहां आ सकते हैं, बट अक्टूबर टू जनवरी दिस दोस मंथ्स आर द बेस्ट मंथ्स टू कम हियर। मैं अभी आया हूँ जो यहाँ का जो डाउकी जो रिवर है, उस रिवर का जो हैंगिंग ब्रिज है बहुत लंबे है, उस ब्रिज में चढ़ने के लिए मैं आया हूँ। पहले आपको दिखाया था रिवर के बारे में। यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है यार। बीच रिवर के बीचों बीच में मैं अभी खड़ा हूँ।